रेवरली में पत्नी से परेशान पति ने लगाई न्याय की गुहार। पति ने अपनी पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप, गैर मर्द से संबंध होने का लगाया आरोप, पत्नी से जान का खतरा होने का लगाया आरोप। पड़ित पति ने थाने में सुनवाई न होने का भी लगाया आरोप। पत्नी के द्वारा पति पर गलत मुकदमे में फंसाए जाने का भी लगाया आरोप। 4 वर्षीय मासूम की हत्या की पत्नी देती है धमकी, पीड़ित पति। पीड़ित पति ने SP से लगाई न्याय की गुहार। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र का मामला। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकित कुमार। क्या मामला है? हमारा मामला बीबी का है। क्या है पूरा मामला बताओ। मामला ये है कि वो दूसरे के चक्कर में है, आज 2-3 साल से रहेंगे, 2-3 बार उसको पकड़ा है फोन पे भी, हर चीज़ बाद में गलती मानती है आ जाती है, फिर पकड़ी जाती है तो घर से वो चली जाती है और बाहर बाहर FIR डालती है, मेरा आदमी दारू पीता है, ऐसा करता है वैसा करता है, उनको मारता पीटता है, उसके साथ नहीं रहेंगे। अभी वो खुला शब्द कह रहे हैं कि मैं प्रीतम के साथ जाऊँगी। इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ, हमने शिकायत की है और इसका पहले हमारे पर दहेज प्रथा भी लगाया था हमारी सास ने कि हमारी लड़की को मार याद कर दी है और लड़की आज भी उनकी जिंदा है। कहाँ के रहने वाले? हम तो डलमऊ बात के रहने वाले, छोटी फुलवारी जयपुर टप्पा हवेली। आज कहाँ पे आए आप? हम आज यहाँ पुलिस अधीक्षक हैं। मुलाकात हुई? मुलाकात हुई है। क्या आश्वासन दिए? क्या बताएं? हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा।